ज्वलंत सवाल को उठाने के लिए, विपक्ष की भूमिका अदा करने के लिए, तब विपक्ष की भूमिका अदा नहीं कर रहे हैं और वो घूम रहे हैं नगरी नगरी द्वारे द्वारे। राजनीति सद्भावना का खेल है, कब क्या होगा किसी को मालूम नहीं है। शुरुआत आपने किया कि खेला होगा बिहार में, अब उनके विधायक खेल रहे हैं और खेला दूसरी जगह कर रहे हैं। आरोप तो लगाए जा सकते हैं, उनको कौन रोक सकता है। लेकिन पहले जो शुरुआत आपने किया कि खेला होगा बिहार में, अब उनके विधायक खेल रहे हैं और खेला दूसरी जगह कर रहे हैं, तो पहले तो जो संवैधानिक पद पर बैठा है नेता विपक्ष की भूमिका अदा कर रहा है, अगर उसके जवान से इस तरह का बात निकलता हो कि खेला होगा, तो खेला में खुद वो फंसे हैं, इसका जवाब तो वही ना दे सकते हैं कि किस तरह से खेला वो करना चाहते थे, किस तरह से खेला में वो असफल रहे, इसका जवाब अच्छा से वही दे सकते हैं जो खेला करना चाहते हैं। और कितने लोग हैं? और भी कुछ खिलाड़ी हैं उधर के जिधर आने वाले? राजनीति सद्भावना का खेल है, कब क्या होगा किसी को मालूम नहीं है। देखते रहिए, इंतजार करते रहिए, इंतजार में जो मज़ा है वो दूसरा किसी चीज़ में ऐसा मजा नहीं। अभी और खेला बाकी है, वो तो रोज हो रहा है। जो खेला करने वाले लोग थे वो पूरी तरह से खेला में फंस चुके हैं। अभी कौन तो यात्रा निकाल रहे हैं, विश्वास यात्रा। विश्वास तो वो जनता का जीतता है जिसके लिए हमको भेजा है। हमको भेजा है सदन में ज्वलंत सवाल को उठाने के लिए, विपक्ष की भूमिका अदा करने के लिए, तब विपक्ष की भूमिका अदा नहीं कर रहे हैं और घूम रहे हैं नगरी नगरी द्वारे द्वारे। तो नगरी नगरी द्वारे द्वारे घूमने के लिए आपको जनता ने आप पर भरोसा नहीं किया था। आप पर भरोसा किया था कि जब सदन चलेगा तो राज्य के महत्वपूर्ण सवालों के, जनता के हित की रक्षा के लिए सदन में खड़ा होंगे। तो ये सदन से भाग खड़ा होकर के नगरी नगरी द्वारे द्वारे घूम रहे, उससे क्या लाभ उनको मिलने वाला? 6 लोग हो गए हैं, टीम कब पूरी होगी? अब तो खिलाड़ी और टीम के जो नायक हैं और वो क्या बोलते हैं उनको, रेफरी से पूछिएगा तो पता चल जाएगा कि बने पूरा टीम कब बनेगा। ये खेल के रेफरी कौन है सर? अब खेल के रेफरी तो आप लोगों से छिपा हुआ है। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।